वैसे तो वो बहुत डरता है मेरे से, पर मेरी उसकी पर्सनली कोई दुश्मनी नहीं है। मैंने 100 बार कहा है, इस बार फिर कह रहा हूँ कि बेटा मैं तेरे को मारूंगा नहीं, ना मैं तेरे को पीटूंगा, बट गाने के बारे में सही रिव्यू देना, आई विल बी हैप्पी। एक जेन्युइन तुम बताना कि यार गाना ऐसा था, बीट कमी रहेगी, बिकॉज हर गाने को बोलता है मज़ा नहीं आया, मज़ा नहीं। अब तो जनता को मज़ा आ रहा है, अब तो मैंने जनता के ऊपर सोच छोड़ा हुआ है, तो आई थिंक वो पहले जनता का रिजल्ट देखे, जनता का रिस्पॉन्स देखे, फिर वो रिव्यू दे। रही बात KRK की, तो मुझे उससे पर्सनली कोई दुश्मनी नहीं है। मैंने गाना बनाया उसको सबक सिखाने के लिए। अब ये है कि कल को मेरी और KRK की दोस्ती होती है या नहीं होती, लेकिन भाई #KRK कुत्ता तो सारी उम्र के लिए चिपक गया तुम्हारे लिए। ठीक है सर, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, लोग अपने अपने रील बना रहे हैं, रिव्यू भी हो रहे हैं, हाँ आम लोग ऑटो वाला वगैरह भी इस पे रिएक्ट कर रहे हैं। क्या आपने उम्मीद की थी कि इतना ज्यादा अप्रिशिएट करेंगे? नहीं, एक्चुअली मैं मुझे लगा था कि जो मेरे फैंस हैं, मेरे एक हार्डकोर फैंस हैं जिनको मेरा हर गाना अच्छा लगता है, और ये कुत्ते के ऊपर चौथा मेरा गाना है, नॉट KRK कुत्ते के ऊपर, लेकिन कुत्ते के ऊपर, जैसे बन गया पट्टा देखो बन गया कुत्ता, एक ही आया था, एक वीरे दी बैटिंग में अक्षय पाजी का गाना था, वो भी ऐसा ही कुत्ते के ऊपर गाना था, और ये अभी तीसरा गाना ऐसा है, चौथा गाना ऐसा है जो अगेन कुत्ते पे बना है। पर मुझे नहीं पता था कि इतना ज़बरदस्त रिस्पॉन्स आएगा। कल मैं वैसे ही यूट्यूब चेक कर रहा था, तो अगर आप #भी नहीं डालना, आप तो KRK डालोगे तो KRK कुत्ता ही आ रहा है, और आप यूँ स्क्रॉल करना शुरू हो जाओगे तो कम से कम 2000 वीडियो मैंने देखे हैं। और जो आम जनता है, आंटियाँ हैं, बच्चे हैं, वो अपना अपना एंजॉय कर रहे हैं कुत्ता कुत्ता कह के, और ये कमाल हो गया, मैंने इतना बड़ा हिट होगा मुझे नहीं पता था। थैंक यू जी, वंस अगेन थैंक यू सो मच आप सभी का, पूरे वीडियो का, मीडिया का, वंस अगेन पूरे मीडिया का, और जितने मेरे फैंस हैं जो मुझे पसंद करते हैं, थैंक यू सो मच कि आपने जेन्युइनली गाने को पसंद किया, क्योंकि किसी को सबक सिखाने के लिए कोई ऐसा गाना ज़रूर बनाना चाहिए जिससे आदमी को अकल आए कि अगर वो लोगों का मजाक उड़ाता है, तो जब उसका मजाक उड़ता है तो कैसा लगता है। थैंक यू। Gracias.